हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित और आज इस वीडियो में हम जो देख रहे हैं ये टू व्हीलर दोनों एक्टिवा होंडा के हैं, तो हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि पहले कैसी आती थी अब कैसी आती है। जो आप ये वाइट कलर देख रहे हो ये 3G है और जो ये ब्लैक देख रहे हो ये 6G है और दोनों में कलर का भी डिफरेंस है, ये वाइट कलर है ये ब्लैक कलर है। तो आपको कलर का भी पता चल जाएगा कौन सा कलर लेना चाहिए कौन सा नहीं, वाइट अच्छा लगता है या ब्लैक अच्छा लगता है। लेकिन ये काफ़ी पुराना भी है, 5 साल पुराना है, ये बिल्कुल जस्ट नया है। तो जो दोनों को आप फ्रंट से देख रहे हो सेम है बिल्कुल, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसकी हेडलाइट में एक बल्ब का फ़र्क है, इसमें एक्स्ट्रा बल्ब दिया हुआ है एक यहाँ पे छोटा, इसमें नहीं है आपका। और टर्न इंडिकेटर भी सेम है, दोनों हैलोजन है, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट भी सेम है। लेकिन इसमें आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आपको क्रोम की वो दी हुई है पट्टी सी दो, बाकी सेम है इधर भी और इधर भी। अब चलते हैं इसमें यहाँ पे नीचे की तरफ, तो वहाँ पे देख रहे होंगे आप उसमें कवर भी लगा हुआ है और उसका एंगल भी कुछ अजीब सा है इसका सस्पेंशन का। और इसमें देखो तो इसमें यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, वहाँ पे उसमें नहीं है, दोनों में स्टील व्हील है, रिम है दोनों में। तेन के टायर की जो टायर का साइज है इसमें है 90-90-12 और जो इसमें है 90-110, मतलब कि ये 10 इंची है ये 12 इंची है और जो इसकी चौड़ाई है इसकी 100 है इसकी 90 है mm। और बाकी कुछ खास फर्क नहीं है, कॉम्बी ब्रेक इसमें भी आता है इसमें भी आता है, दोनों में आता है, दोनों में कॉम्बी ब्रेक मिलेंगे आपको। इस पे यहाँ पे कॉम्बी ब्रेक की बैजिंग भी है, मतलब कि वैसे लिखा हुआ है उसमें नहीं लिखा हुआ। और जो ब्रेक की बात करते हैं ये कॉम्बी ब्रेक आते हैं और ड्रम ब्रेक आते हैं इसमें, अगले भी पिछले भी उसमें भी ड्रम ब्रेक हैं दोनों, और दोनों 110 सीसी के अंदर आती हैं आपकी। और अब बात करते हैं साइड की, तो ये आप देख रहे होंगे एक्टिवा 3G की बैजिंग है, उसमें है आपकी एक्टिवा 6G की बैजिंग, ये है HET, ये आती थी होंडा इको टेक्नोलॉजी बोलते थे इसको, जो कि ये पहले एवरेज कम देती थी तो फिर इनकी थोड़ी एवरेज बढ़ा दी थी तो उसको उन्होंने नाम दिया था होंडा इको टेक्नोलॉजी का। बैजिंग है उसको यहाँ पे इसमें सीट पे दी हुई है इन्होंने, ये रही BS6 और इस साइड भी एक्टिवा 6G लिखा हुआ है और उसमें भी एक्टिवा 3G लिखा हुआ है, पीछे से बिल्कुल सेम है दोनों, कोई फर्क नहीं है। आपको एक फर्क दिख रहा होगा फ्यूल लीड का, इसमें यहाँ पे नहीं दी हुई है और इसमें है यहाँ पे, जो कि वहाँ से ऑन होती है, इसमें होती है सीट से। अब जैसे इसकी सीट खोलेंगे, इसकी से सीट खुलेगी, ये सॉरी ये इसकी की सेम है दोनों की, ये यहाँ से घूम के सीट खुलेगी इसकी, तो यहाँ से इसका फ्यूल का ढक्कन है उसका वहाँ से है दोनों का, इसका भी खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको, इसका यहाँ से खुलता है सीट का एक तरफ फ्यूल का, तो ये आपका फ्यूल का ओपन हो गया ढक्कन, इसका यहाँ से खुलता है। सीट भी दिखा देता हूँ आपको, सीट भी दिखा देते हैं, इसमें स्पेस इतना है, इसमें यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ जो इसके ये होते हैं चाबी पाने रखने की जगह, इसमें यहाँ पर दी हुई है, एक यहाँ पर दिया हुआ स्पेस, एक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, ये अच्छा काम किया इन्होंने। और इसमें ये भी जगह बनी हुई है, ये इसलिए बनी हुई है क्योंकि इसका फ्यूल का यहाँ पे है उसका नहीं है। अब बात करते हैं इनके दोनों के टायर के, पिछले जो टायर हैं इसमें है 90-110 और इसमें है आपका 90-110, तो पिछले टायर दोनों के सेम है, ट्यूबलेस हैं चारों टायर, मतलब कि दोनों टायर ट्यूबलेस हैं दोनों में। तो इसके जो की के फंक्शन है वो यहाँ पे हैं, लॉक, उसके बाद अनलॉक होगी, अगर यहाँ पे रहेगी तो आप फ्यूल का ढक्कन ऑन कर सकते हैं और सीट इसकी ओपन कर सकते हैं, उसके बाद इग्निशन और ये स्टार्ट होगी यहाँ से इस बटन से ब्रेक दबा के, और इसी से बंद हो जाएगी। और ये पास वास के बटन है, ये इंडिकेटर का, ये बोर्ड है इसका, ये मिरर है उसमें, इससे डिफरेंस फंक्शन है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है उसमें, उसमें खाली इसका इग्निशन ऑन ऑफ होता है, यहाँ से ऑन होता है, इससे ब्रेक दबा के स्टार्ट हो जाएगी, इसमें लाइट का है उसमें नहीं है, उसमें डायरेक्ट की से है,
ये पास का है, ये इंडिकेटर का जो हॉर्न है, ये हॉर्न इसमें आफ्टर मार्केट है। तो ये था भाई दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन रिव्यू, होंडा एक्टिवा 3G वर्सेस 6G, एक वाइट है एक ब्लैक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।